नमस्कार, सुजस चुनाव विशेष बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अश्विनी सरोही। एक नजर हेडलाइंस पर। प्रदेश में 3 दिसंबर को होने वाली मतगणना के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं की जा रही सुनिश्चित। जिला निर्वाचन अधिकारी कर रहे मतगणना स्थलों का निरीक्षण। ईवीएम स्ट्रांग रूम्स की सुरक्षा बल कर रहे 24 घंटे कड़ी निगरानी। निर्वाचन विभाग के माइक्रो मैनेजमेंट से मतदान प्रक्रिया रही सुचारू। मतदान दलों की सुविधाओं का रखा गया विशेष ध्यान। प्रदेश में 3 दिसंबर को होने वाली मतगणना के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जा रही हैं। वोटों की गिनती के लिए मतगणना सुपरवाइजर्स, प्रथम और द्वितीय मतगणना सहायकों और पर्यवेक्षकों का प्रशिक्षण कार्यक्रम भी डूंगरपुर और बाड़मेर समेत कुछ अन्य जिलों में शुरू हुआ। वहीं सवाईमाधोपुर सहित अन्य जिलों में ये प्रशिक्षण कल शुरू होगा। ये ट्रेनिंग 2 पारियों में दी जाएगी। इसके माध्यम से निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से मतगणना संपन्न करवाने की जानकारी कार्मिकों को मिलेगी। जिला निर्वाचन अधिकारी मतगणना स्थलों का निरीक्षण कर सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं। भरतपुर जिला निर्वाचन अधिकारी ने मतगणना स्थल MSJ कॉलेज पहुंचकर विभिन्न इंतजामों का निरीक्षण किया। उन्होंने बताया कि वोटों की गिनती के लिए प्रत्याशियों और प्रतिनिधियों के बैठने की व्यवस्था चुनाव आयोग के निर्देशों के अनुसार की जाएगी। विधानसभा क्षेत्र सादुल शहर, गंगानगर, सूरतगढ़, रायसिंह नगर और अनूपगढ़ के वोटों की गिनती श्रीगंगानगर के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजकीय महाविद्यालय में करवाई जाएगी। विधानसभा क्षेत्रवार मतगणना के लिए कमरों और टेबल्स का निर्धारण किया गया है। जिला निर्वाचन अधिकारी श्री अंशदीप ने बताया कि मतगणना के लिए 20 टेबल होंगी। ईवीएम की मतों की गणना के लिए 14, पोस्टल बैलेट के लिए 5 और ई पोस्टल बैलेट्स के मतों की गणना के लिए 1 टेबल रहेगी। वहीं जिले में चुनाव आयोग ने मतों की गणना के लिए विधानसभा वार 5 पर्यवेक्षक नियुक्त किए हैं। उधर हनुमानगढ़ में वोटों की गिनती त्रिस्तरीय सुरक्षा के बीच पॉलो टेक्निकल कॉलेज में होगी। इसके लिए मतगणना स्थल पर बैरिकेडिंग का काम आज से शुरू हो गया है। उधर बूंदी जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर रविंद्र गोस्वामी ने बताया कि मतगणना के लिए मतगणना कर्मियों का प्रथम प्रशिक्षण हुआ। जिला निर्वाचन अधिकारी ने कार्मिकों को पूरी पारदर्शिता बरतने के निर्देश दिए। आपको पता है हमारा जिला 11वें नंबर पे रहा वोटिंग। आप सब लोगों ने मेहनत की उसमें और बहुत अच्छा उसमें परफॉर्मेंस किया। अब ये वो समय है जब हमें बहुत ही सावधानी से काम करना है। 25 नवंबर को मतदान दिवस के बाद सभी जिलों में ईवीएम स्ट्रांग रूम्स में कड़ी सुरक्षा के बीच रखी गई हैं। इन स्ट्रांग रूम्स पर 24 घंटे CAPF, RAC और पुलिस बल तैनात हैं। इन स्थलों पर सुरक्षा बलों द्वारा हर आने जाने वाले व्यक्ति पर निगरानी रखी जा रही है और किसी भी अनाधिकृत व्यक्ति को एंट्री नहीं दी जा रही है। प्रदेश में मतदान प्रक्रिया सुचारू रूप से संपन्न करवाने के लिए निर्वाचन विभाग की ओर से मतदान दलों की ट्रेनिंग और सुविधाओं का खास ध्यान रखा गया। इसके लिए इस बार निर्वाचन विभाग ने कई तरह की पहल की। मतदान दलों को 3 बार ट्रेनिंग दी गई और ईवीएम पर हैंड्स ऑन करवाया गया। मतदान दलों द्वारा काम में लिए जाने वाले प्रपत्रों को वर्गीकृत कर इनके अलग अलग रंगों वाली 5 बुकलेट बनवाई गई। चुनाव ड्यूटी में लगे कार्मिकों के लिए पोस्टल बैलेट्स जारी कर जिलों में बने सुविधा केंद्रों पर मतदान करवाया गया। मतदान दलों की रवानगी के समय विशेष सहायता डेस्क भी बनाई गई। ट्रेनिंग के दौरान प्रपत्र भरवाकर मॉक ड्रिल भी करवाई गई। मतदान के बाद ईवीएम जमा करवाने के लिए प्रयास काउंटर बनाए गए। वहीं चूरू, नागौर, गंगानगर सहित अन्य जिलों में RO लेवल पर ही ईवीएम जमा करवाई गई, जिसमें मतदान दलों का जिला मुख्यालय तक आने का समय बचा। लोकतंत्र के महापर्व में हर वर्ग के मतदाताओं ने उत्साह और उमंग के साथ सहभागिता निभाई। जहां पहली बार वोट डालने वाले युवाओं का उत्साह देखते ही बन रहा था, वहीं कई बूथों पर शतायु मतदाताओं ने भी लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए मतदान का फर्ज अदा किया। आपसे इजाजत लेने से पहले दिखाने जा रहे हैं मतदान दिवस की कुछ रोचक झलकियां। सुजस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।